वेलकम बैक टू माई चैनल फातिमा लखनऊ ब्लॉग। इट्स माई ब्लॉग एंड मेकअप ट्यूटोरियल चैनल। तो आज मैं आपको देने वाली हूँ अपना इंट्रोडक्शन, क्योंकि मैंने चैनल तो स्टार्ट कर लिया है बट अपने खुद को इंट्रोड्यूस नहीं किया, जैसे कि आप लोग मुझे जानते ही नहीं हो मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ, क्या हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम फातिमा है और मैं रहती हूँ लखनऊ में, और लखनऊ मेरा लिविंग सिटी है बट मैं हूँ झांसी से। तो मैं झांसी यूपी से बिलोंग करती हूँ और मेरी कंट्री है इंडिया। जो भी अगर आउट ऑफ कंट्री देख रहे हैं तो उनके लिए मैंने ये बोला हुआ है। तो मैं बताने वाली हूँ कि एक्चुअली मैं यूट्यूब चैनल नहीं रन करती थी बट मेरे माइंड में आया कि मुझे यूट्यूब चैनल पे कुछ करना चाहिए। तो मेरे अंदर टैलेंट जो है वो मेकअप का है, जिससे कि मैं अपना चैनल ग्रोथ कर सकती हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ किया जाए। तो मैंने एक चैनल क्रिएट किया और जिसमें मेरा पहले तो बिल्कुल मूड नहीं था कि मेकअप ट्यूटोरियल स्टार्ट करेंगे, बट फाइनली मुझे लगा ये कंटेंट मेरे लिए बेस्ट है। तो फिर मैंने अपना मेकअप ट्यूटोरियल स्टार्ट किया और अभी कुछ ही दिन हुए हैं, आई थिंक 1 मंथ भी नहीं हुआ है। तो मेरी वीडियोस ठीक जा रही हैं, व्यूज़ ठीक ठाक आ रहे हैं बट ज़्यादा अच्छे वायरल नहीं हो पा रहा है, जिसके लिए मुझे थोड़ा सा टेंशन रहती है कि मेरा 1 साल का टाइम होता है मोनेटाइजेशन का एंड 4000 आवर्स वॉचिंग टाइम, 1000 सब्सक्राइबर चाहिए होगा, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ। बट सब्सक्रिप्शन ठीक हो रहा है एंड व्यूज़ भी आ रहे हैं, वॉचिंग टाइम भी चल रहा है बट उतना स्पीड में नहीं है जितने स्पीड में यूट्यूब को चाहिए होगा, यूट्यूब की रिक्वायरमेंट होगी है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए एंड मेरे वीडियो वॉच करिए एंड लोगों को अपनी फ्रेंड्स को शेयर करिए। तो ऐसे ही मैं आपको बहुत प्यारी प्यारी वीडियोस मेकअप की लाती रहूँगी, टिप्स लाती रहूँगी। और अभी मेरा स्टार्टिंग है, मैं न्यू हूँ यूट्यूब पे, तो आप लोगों के हेल्प की ज़रूरत है और आप लोग ऐसे ही हेल्प करते रहिए। वैसे सब हेल्प कर रहे हैं बट थोड़ा ज़्यादा हेल्प होगा तो आई थिंक मेरा चैनल अच्छा चलेगा। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं डेली तो नहीं बट वीकली मैं एक वीडियो लाने की पूरी कोशिश करती हूँ, क्योंकि मेकअप ट्यूटोरियल के लिए आपको चाहिए होते हैं मेकअप प्रोडक्ट्स, जो कि अफोर्ड करना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि डे बाय डे डिफरेंट मेकअप शो ऑफ करना होता है। तो उसके लिए हमें डिफरेंट प्रोडक्ट चाहिए होते हैं, जिनके लिए हमें परचेजिंग करनी होती है एंड बजट कलेक्ट करना होता है। क्योंकि मैं तो हाउस वाइफ हूँ तो मेरे पास अभी कोई अर्निंग तो है नहीं यूट्यूब से, जिससे कि मैं अर्निंग करके फिर इन्वेस्ट करूँ तो मेरे को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो प्रॉब्लम तो होता है बट कोई नहीं, मेहनत चल रही है तो आप लोग सपोर्ट करते रहिए। तो मैं आपको बताना चाहती थी कि एक्चुअली यूट्यूब पे चैनल अपना क्रिएट मैंने इसलिए किया है क्योंकि ये मेरा एक छोटा सा ड्रीम है जिसको मैं पूरा करना चाहती हूँ। और एक्चुअली अर्निंग का कोई ऐसा लालच नहीं है, बस ये लगता है कि लोग मुझे पहचाने कि मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ एंड मैं क्या करती हूँ यूट्यूब पे। तो मैं देख रही थी बहुत सारे यूट्यूबर्स जिनके स्टार्टिंग वीडियो बहुत ही नॉर्मल होते हैं, देन उन्होंने यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा फेथ गेन किया है, उनका बहुत नाम है और वो काफ़ी अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। बट अर्निंग नो मैटर, डिपेंड करता है कि उनका काम कैसा है। तो अगर मेरा काम अच्छा होगा, यहाँ पर अच्छी परफॉर्मेंस होगी, अच्छा हमारा कंटेंट होगा तो आप लोग ज़रूर पसंद करोगे। तो मैं कोशिश करूँगी बहुत ही अच्छा कंटेंट लाने की। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए एंड लोगों को शेयर करिए, मेरी वीडियो लाइक करिए, कमेंट करिए और बताइए कि मैं कैसा परफॉर्मेंस दे रही हूँ अपने ट्यूटोरियल पे। तो चलिए बस इतना ही बोला था। तो आप लोग सोच रहे होंगे हरा इतनी सारी वीडियो शेयर कर दी, अब दे रही इंट्रोडक्शन।
तो मैं आपको ये बोलने वाली थी, मैं एक्चुअली यूट्यूब वॉच करती हूँ. कुछ यूट्यूबर्स होते हैं जो ब्लॉगिंग करते हैं एंड हाँ ब्लॉगिंग करते हैं सिंपली, बट उन्होंने अपने व्यूज़ पाने के लिए उन्होंने पता नहीं किस किस यूट्यूबर्स को मुद्दा बना के रखा है, और उनके बारे में पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, और मतलब कुल मिला के उनका कंटेंट बन गया है किसी की बुराई करना या फिर वो किसी की तारीफ करना, फिर उनकी बुराई करना, देन उनको बेकार बेकार बातें बोलना. जैसे कि उनकी वीडियो बहुत अच्छे से वायरल हो रही है और मोनेटाइजेशन भी हो रहा है, क्योंकि वॉचिंग टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मोनेटाइजेशन, एंड सब्सक्रिप्शन भी मिल रहे हैं क्योंकि लोग खुरापाती ज़्यादा सुनना चाहते हैं आज के टाइम में. तो मैं एक्चुअली कुछ यूट्यूबर्स को मैं जानती हूँ, पर्सनली जानती हूँ, जिन्होंने बहुत ज़्यादा मुद्दे बना रखे हैं कुछ यूट्यूबर्स को लेके, क्योंकि उनका थॉट ये है कि उनको अपना चैनल ग्रोथ करना है. कंटेंट तो है नहीं, ब्लॉगिंग करते हैं सिंपली, घर का झाड़ू पोछा बर्तन ही दिखाते हैं एंड अपनी एक्टिविटी दिखाते हैं, खाना पीना बनाना दिखाते हैं, जो कि कोई देखना नहीं चाहता है क्योंकि यूट्यूब पे इतना 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 रश हो गया है. लोग बस मुंह उठा के यूट्यूब पे आ गए हैं, कुछ काम नहीं है लॉकडाउन में, यूट्यूब पे अर्निंग का सबका ड्रीम हो गया है. तो कर रहे हैं प्रॉपर्टी, लोग देखते भी हैं बहुत आसानी से, लाखों में व्यूज़ आ रहे हैं, और उनके कंटेंट को देख के तो इतना गुस्सा आता है कि क्या बताऊँ, कि जिनको जानते भी नहीं है उनसे अपना रिलेशन जोड़ लेते हैं, बोलते हैं ये मेरे वो हैं, ये मेरे वो हैं, एंड ये है एंड वो है. होता कुछ नहीं है क्योंकि उन्हें सिर्फ चाहिए होता है वॉचिंग टाइम एंड व्यूज़, तो उसके लिए कुछ भी कर लेते हैं, झूठ मूठ अपनी तारीफ. तो मैं नहीं चाहती ऐसा करना, तो मैं तो अपने रियल कंटेंट से सब्सक्रिप्शन चाहती हूँ एंड अपने चैनल का ग्रोथ चाहती हूँ. तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोस, टिप्स, ट्यूटोरियल आप लोगों के लिए लाती रहूँ. तो मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आप अगर मेरे वीडियोस को सीरियसली लाइक करते हैं तो प्रेस द लाइक बटन एंड कमेंट करना मत भूलिए, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे कि फ्यूचर वीडियो आपको शो होती रहे. और